तो बुलंदशहर विधानसभा सीट पर खुफिया पड़ताल का ये तो पहला हिस्सा था जो हमने दर्शकों को दिखाया, आप सब ने देखा, दोनों पक्षों का दावा भी सुन लिया दर्शकों ने। अब इस ऑपरेशन का अगला हिस्सा क्या कहता है वो देख लेते हैं। प्रियंका का कुछ है? प्रियंका गांधी का ज्यादा चांस बीजेपी है क्योंकि काम की वजह से। हमारा मकसद सिर्फ बुलंदशहर के चुनावी मूड को समझना है, इसलिए हमने इन लोगों से ऐसे बात की जिससे वो खुलकर अपने मन की बात कह सके। गोलगप्पे की दुकान चलाने वाले ने हमें बताया कि उसे क्यों लगता है कि इस बार भी यहां से बीजेपी जीतेगी। दम नहीं था बुलंदशहर विधानसभा सीट पर जीत हार का फैसला करने में मुस्लिम वोटरों की भी बड़ी भूमिका है, इसलिए हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यहां चाय की दुकान पर मौजूद लोगों ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। ये क्या दे रहे? पेट्रोल 70 से 140 कर दिया। ठीक, सिलेंडर 40,000 का। हाँ यार, का सिलेंडर हो गया 400 का सिलेंडर है। जब ये बैठे 80 से 200 बढ़ा दिए तो क्या दे रहा है ये? अपने पास से क्या दे रहे? जनता का ये ही है सब। और इनपे है क्या? इससे भी ज्यादा प्रोजेक्ट देंगे तो वो भी जनता का ही है। भाई इनपे है क्या? तो अब सवाल ये है कि क्या यहाँ के मुस्लिम वोटर बीजेपी की जगह एसपी को वोट करेंगे? जवाब सुनिए। और ये साइकिल बस इनकी टक्कर रहनी है, इन्हीं की टक्कर है तो आपका वोट बढ़ जाएगा। हमारा कहाँ पहुँच जाएगा? अब मुझे तो आप बताओ। बहुत से बीजेपी को दे, बीजेपी को दे। हाँ नो, क्या हुआ? बीजेपी को भी वोट जाएगा। कुछ वैसे आदमी है जिन्होंने मकान भी बन गए हैं, जिन्हें पैसा भी मिल गया है और जिन्हें गेहूँ भी दे दिया मोदी जी ने, सब बीजेपी जाएगी यहाँ से। तो बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ही एसपी आरएलडी गठबंधन ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार हाजी यूनुस को टिकट दिया है। एसपी आरएलडी का ये दांव कुछ इलाकों में असर दिखाता नजर आ रहा है। चांसेस किसके हैं हाजी? यादवलीम भाई के, यूनुस के। हाजी अपने हाजी भाई, हाजी हाजी है ना आरएलडी से? ये वो सेल लोकदल जो बोले हैं ना, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल। हां राष्ट्रीय लोकदल से जैन चौधरी वाला हाजी अखिलेश यादव का गठबंधन है उनसे आरएलडी का। तो बीजेपी की चांसेस कम है ना? ये बहुत बड़े हैं दोनों निकाल लेगा बीजेपी टक्कर वैसे भी। इस विधानसभा सीट की सही तस्वीर सामने आ सके इसीलिए हमने अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की। कौन जीत रहा है? इस गांव की बात करें तो बीजेपी के ज्यादा चांसेस। काम किए हैं यहाँ पे बीजेपी ने? पहले की प्रॉब्लम थी जैसे लाइट था गांव का, रोड का था, वो चीजें तो सॉर्ट आउट हो ही गई है मोस्टली। अखिलेश का मुकाबला नहीं चल रहा है? इस बातचीत से किसी नतीजे पर ना ही पहुंचा जा सकता है और ना ही ये हमारा मकसद है, लेकिन चुनाव के नतीजे आने पर ये जरूर साफ हो जाएगा कि वोटर जो कहता है क्या वोट डालते समय भी वही करता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।